Assalamu alaikum, welcome back to the channel again, biology classes by Fayaz Kati. तो हम जेनेटिक्स की बात कर रहे थे. जेनेटिक्स के लेक्चर मैंने बनाए थे, उसके बाद कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से मैं ना बना सका और फिर मैंने टेस्ट कुछ जो है बना दी, वो जो है अपलोड कर ली थी. आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट अहम टॉपिक्स के बारे में. बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स उसमें आ जाते हैं, ठीक है. उसमें इंट्रोडक्शन की बात आज करेंगे, क्योंकि मैंने पहले जो डिटेल में बताई थी, कोडोमिनेंट्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स वगैरह जो बताई थी, वो ज़्यादा थोड़ा डिटेल में डीप में था. तो अब कुछ स्टूडेंट्स की जो डिमांड की वजह से, स्टूडेंट्स के मुताबिक जो है ना, कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी सीखनी है उनको. तो जनरल टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर, ठीक है. तो जेनेटिक्स एक्चुअली है क्या? जेनेटिक्स जो है एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, ठीक है. जो भी इनहेरिटेंस होती है, मीन्स हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसके बारे में बात करने को कहते हैं, उस ब्रांच उसके बारे में स्टडी करने को कहते हैं जेनेटिक्स. टू द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड वेरिएशन व्हिच ऑकर इन देम, ठीक है. जो भी कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो और उसके अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ने को कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है. तो जेनेटिक्स में हम हमारा जो बेसिक यूनिट जो है उसकी बात करते हैं, वो है जीन, ठीक है. हेरिडिटी यूनिट का जो बेसिक यूनिट है हेरिडिटी कैरेक्टर्स का, वो है जीन. हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होते हैं? वो जो खानदानी आदत रखते हैं ना, जैसे कि किसी के कर्ली बाल जो होते हैं वो अपने बच्चों के अंदर भी पाए जाते हैं, इस तरह से स्किन कलर का भी होता है वगैरह, इस तरह से जो होती है जेनेटिक्स होती है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं. तो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हमारे जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल होता है. जेनेटिक मटेरियल हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स के अंदर मौजूद होता है. अब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क होती है, क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. जब सेल डिवीजन होती है तो टूटते हैं क्रोमोसोम्स. एक्चुअली दीज आर नॉट जेनेटिक मटीरियल, ठीक है. इसके अंदर मटीरियल पाया जाता है, एक हिस्टोन प्रोटीन होती है, दूसरी डीएनए होता है. अब डीएनए जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है. अब डीएनए के अंदर भी बेसिक यूनिट जो होता है वो जेनेटिक मीन्स हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का, वो होते हैं जीन. ओके, सो जीन्स आर व्हाट? दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के बेसिक यूनिट जो है वो जीन्स होते हैं, ठीक है. तो हर करेक्टर के लिए डीएनए पूरा कंप्लीट होता है, उसके अंदर मिलियंस की तादाद में जीन्स मौजूद होते हैं फॉर पर्टिकुलर करेक्टर्स के लिए, ठीक है. अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आ गई, एक टर्म आ गया करेक्टर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. जेनेटिक्स में करेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है. करेक्टर मीन जैसे कि पर्टिकुलर इंजाइम बनाने के लिए स्पेसिफिक जीन होता है, ठीक है. पर्टिकुलर जो है आई कलर बनाने के लिए, उसके लिए भी जीन होता है. इस तरह से साइज के लिए, हर चीज के लिए जीन मौजूद होते हैं. अब जीन जो है स्पेशल करेक्टर्स के लिए होते हैं, ठीक है. अब करेक्टर्स क्या है वो भी बात करते हैं, लेकिन जीन्स कितने होते हैं? जीन्स हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है, हर पेरेंट सेल के अंदर जो डिप्लोइड सेल होता है, पेरेंट सेल अगर जो डिप्लोइड है तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए दो जीन्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एलील्स. क्या कहते हैं? एलील्स. मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर. मीन्स फॉर एग्जाम्पल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं किसी भी ह्यूमन के डिप्लोइड सेल के अंदर. 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो सिमिलियर इन स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी बट डिफरेंट इन कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है. तो उनको होमोलोगस जो है क्रोमोसोम्स कहते हैं. अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके अंदर एलील्स जो है स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए ही होते हैं. कैरेक्टर मींस कोई भी अपीयरेंस के लिए, ठीक है. कैरेक्टर्स जो है फॉर एग्जांपल स्किन कलर के लिए जो है वो दोनों तरफ, क्योंकि एक डिप्लोइड सेल के अंदर दो तरफ से जो है क्रोमोसोम आए ना, एक मेल साइड से आए हैं 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और फीमेल साइड से आए हैं 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर का एक एक सिंगल क्रोमोसोम मौजूद है, जो कि एक अब डिप्लोइड सेल बेबी का जो सेल है, अब जो पेरेंट कहलाएगा, तो उसके अंदर जो है सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के आए हैं दोनों तरफ से. अब वो हो गए हैं पेयरिंग में हो गए. तो अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरफ जो है इस तरह का क्रोमोसोम है, ठीक है, एक फीमेल से आया तो इस तरफ भी मेल से भी इस तरह का आया होगा. इस तरह से जो है अगर कोई फॉर एग्जाम्पल जो है इस तरह का आया है तो इस तरफ भी
मेल साइड से भी ऐसा है, तो ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए जीन होगा, तो इसके लिए भी, इसके अंदर भी पर्टिकुलर करेक्टर के लिए जीन, इसके अंदर क्योंकि ये भी इंसान था, मेल था, इसके अंदर भी आईज कलर था, ठीक है, इसके अंदर भी आई कलर था, तो इसके लिए भी आई कलर के लिए जीन होगा, इसके यहाँ पे भी आई कलर के लिए जीन होगा, तो ये दोनों जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, आई कलर के लिए, तो दोनों जीन्स है। अब दोनों जीन्स क्या, ये एक जीन है इसका, ये जो है एक कॉपी यहाँ पे मौजूद है इस तरह की, तो अब इसको कहेंगे हम अलेल्स। ये हैं जीन्स, लेकिन अब दो हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, अब वो डिफरेंट हो सकते हैं प्रॉपर करेक्टर के लिए, लेकिन दो कॉपीज हैं, तो उसको हम अलेल्स कहलाएंगे, ठीक है, अलेल्स कहेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अलेल्स क्या होता है, अलेल्स आर क्या, अलेल्स जो है वो कॉपीज ऑफ जीन इज कॉल्ड अलेल्स, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलेल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है अलेल ए खराब हो जाता है जीन, लेकिन ये दूसरा काम करेगा, तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन हो गया ना, ठीक है, यहाँ वाला जीन जो है काम नहीं कर रहा तो ये काम कर रहा है, तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलेल। अलेल की डेफिनेशन क्लियर हो गई, अलेल क्या होते हैं, किसी भी जीन का जो कॉपीज होती हैं या अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं उसको कहते हैं अलेल्स कहते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये हमेशा दो होते हैं, दे आर ऑलवेज टू इन ए डिप्लोइड सेल, डिप्लोइड सेल के अंदर ये हमेशा दो होते हैं, क्योंकि हर पेरेंट से जो है एक कॉपी आती है उसको हम अलेल कहते हैं, ठीक है। अब अलेल्स जो है, अलेल्स के दो टाइप्स, एक होते हैं होमोजाइगस अलेल्स, अलेल्स के जो पेयर्स होते हैं उनके दो टाइप्स, एक होमोजाइगस अलेल्स होते हैं, दूसरे होते हैं हेटरोजाइगस अलेल्स, ठीक है, ठीक है। होमोजाइगस अलेल्स वो जो एक ही तरह के हो ना, फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी करेक्टर को अल्फाबेट से शो करते हैं, ठीक है, अल्फाबेट से शो करते हैं, तो अल्फाबेट अगर फॉर एग्जाम्पल इसके पास दोनों कैपिटल टी हैं, इसके पास जो है हेटरोजाइगस अलेल्स से कहते हैं, अगर टी कैपिटल हुआ दूसरा स्मॉलर टी हो गया तो हेटरोजाइगस अलेल्स हो गए, ठीक है, तो ये होमोजाइगस हो गए, ये इस तरह से हेटरोजाइगस हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अलेल का, हमने जीन का क्लियर किया, जीन इस पार्ट, जीन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज अ बेसिक, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, ये डीएनए का पार्ट होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, जीन के अंदर डीएनए नहीं होता, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत बच्चों ने रट लिया है, ये गलत है बिल्कुल, डीएनए के अंदर जीन होता है, ठीक है, पर्टिकुलर जो है करेक्टर के लिए। तो हमने क्लियर किया जीन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, हर करेक्टर के लिए अलग से जीन होता है, ठीक है, और उसकी उसी की जो है दूसरी कॉपीज भी होती है, उसको अलेल कहते हैं, ठीक है। अब अलेल किसी क्रोमोसोम के अंदर जिस जगह पे मौजूद होता है, फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर जो है अलेल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, अब इस पोजीशन को कहेंगे लोकस, क्या कहेंगे, लोकस, लोकस इज द एरिया वेयर ए जीन आर अलेल इज प्रेजेंट, जीन लोकस कहते हैं उसे, ठीक है। तो लोग अगर दो हैं तो लोकाई LOCI कहेंगे, अगर सिंगल है तो लोकस कहेंगे, ठीक है। तो उस तरह से क्रोमोसोम के अंदर जो है जीन्स होते हैं हजारों की तादाद में होते हैं, लेकिन हमने सिंपल ऐसे किया है कि एक है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, दूसरे भी हैं, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे जीन मौजूद है, यही टी वाला मौजूद है, तो उसको हम कहेंगे कि ये लोकस है, उस जगह को कहेंगे, उस पोजिशन को कहेंगे लोकस, क्लियर। अब ये जो एलील्स हो गए हमारे पास, एलील्स वर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, और जीन क्या है, बेस यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इस तरह से अब जो है दूसरे टॉपिक पे हम जा रहे हैं कि जो एलील्स हैं इसको शो कैसे करते हैं, ठीक है, एलील्स में जीन को कैसे शो करते हैं, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से शो करते हैं। किसी भी एक कलर के लिए जो जीन होता है, ठीक है, उसको हम किसी भी एक कलर, दूसरा कलर का जो जीन होगा तो उसकी को भी सेम अल्फाबेट से करेंगे, जैसे कि टी और टी दोनों टाल के लिए शो होते हैं, और टी कैपिटल और स्मॉलर टी अपोजिट वाले को भी उसी लेटर से ही शो करेंगे, ठीक है, तो स्मॉलर टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टर, ठीक है, और कैपिटल टी फॉर टालर, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद तीसरा हमारे पास आता है, हमारे पास जो कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, एक करेक्टर्स होते हैं, दूसरा होता है ट्रेट। अब करेक्टर और ट्रेट क्या क्या फर्क है, करेक्टर क्या है, एनी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड, कोई भी फिजिकल अपीयरेंस, कोई भी चीज उसके अंदर जो डिफरेंट है, मीन्स किसी के अंदर जो क्वालिटी होती है, ठीक है, उसको कहते हैं करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल साइज हो गई, ठीक है, साइज हो गई, लेंथ हो गई, और स्ट्रक्चर हो गई, शेप हो गई, ये सारे हो गए, कलर हो गया, ये क्या हो गया, करेक्टर हो गया। अब उस करेक्टर का, करेक्टर की क्वालिटी कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल जो है
कलर तो है लेकिन कलर कौन सा है, उसकी क्वालिटी कौन सी है, रेड है, व्हाइट है, ग्रीन है, क्या है? तो क्वालिटी ऑफ पर्टिकुलर करेक्टर इज कॉल्ड ट्रेड. क्या कहेंगे? ट्रेड. किसी भी पर्टिकुलर करेक्टर की जो क्वालिटी होती है उसको ट्रेड कहते हैं. ठीक है, ट्रेड को एक्सप्रेशन भी कहा जाता है. और करेक्टर वो होता है कोई भी फिजिकल जो अपीयरेंस, जैसे कि हमारी साइज है, साइज करेक्टर है. लेकिन साइज कितनी है, हाउ मच साइज, शॉर्टर है या लॉन्गर है? तो शॉर्टर एंड लॉन्गर क्या हो गए, ये दोनों हो गए जो है एक ट्रेड्स हो गए, बाकी जो है वो करेक्टर हो गए. ठीक है, इसी तरह से और भी टॉपिक्स आ जाते हैं, वो हम इंशाल्लाह न्यू लेक्चर में करेंगे. ठीक है.